हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे RSCIT कंप्यूटर कोर्स के एग्ज़ाम की। इस वीडियो में जानेंगे RSCIT एग्ज़ाम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। ये नए सिलेबस पर आधारित हैं, इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप में एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विंडोज़ का वह प्रोग्राम जो फोल्डर को व्यवस्थित करता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी विंडोज एसेसरीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बर्निंग, ऑप्शन बी सर्चिंग, ऑप्शन सी सॉर्टिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सॉर्टिंग। डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सॉर्टिंग कहलाती है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डाटाबेस मैनेजर होते हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन पैकेज, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर सूट, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर सूट। सॉफ्टवेयर सूट ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डाटाबेस शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे तेज़ कंप्यूटर है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी लैपटॉप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ और महंगे कंप्यूटर होते हैं। निम्न में से क्या मल्टीमीडिया में आता है? ऑप्शन ए ग्राफिक्स, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी वीडियो, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो शामिल होते हैं। NTFS का पूरा नाम है? ऑप्शन ए नेट टेक्नोलॉजी फोल्डर सिस्टम, ऑप्शन बी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी न्यू टेक्नोलॉजी फास्ट सिस्टम, ऑप्शन डी न्यू टेक्नोलॉजी फास्ट सर्विस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में NTFS के नाम से जानते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए संयोजन में उपयोग की जाने वाली की है? ऑप्शन ए स्पेस बार, ऑप्शन बी फंक्शन की, ऑप्शन सी एरो की, ऑप्शन डी शिफ्ट की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिफ्ट की। माउस की क्रिया है? ऑप्शन ए क्लिक, ऑप्शन बी डबल क्लिक, ऑप्शन सी ड्रैग, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। माउस की क्रिया में क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग होता है। सबसे तेज प्रिंट करने वाला प्रिंटर है? ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी जेट प्रिंटर, ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है। सूचना का समूह होता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी पाथ रास्ता, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी लेआउट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाथ रास्ता। सूचना का समूह पाथ अर्थात रास्ता कहलाता है। कंप्यूटर से हटाई गई फाइल और अन्य ऑब्जेक्ट को कहाँ से रिस्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी माय कंप्यूटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर से हटाई गई फाइल या ऑब्जेक्ट को रिसाइकिल बिन से रिस्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ग्राफिक्स चिन्हों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी पिक्चर, ऑप्शन सी इंटरफेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आइकन। EDP का पूरा नाम है? ऑप्शन ए इजी डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जिसे हम शॉर्ट में EDP कहते हैं। USB का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिस्टम ब्लैंक, ऑप्शन सी यूनाइटेड सर्विस बुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे हम शॉर्ट में USB कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RSCIT के, तो इसे ज़रूर याद कर लें। फाइल कंप्रेशन क्या है? ऑप्शन ए फाइल सेविंग, ऑप्शन बी फाइल बैकअप, ऑप्शन सी सिस्टम क्लीन, ऑप्शन डी कम जगह में फाइल सेव करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कम जगह में फाइल सेव करना, फाइल कंप्रेशन कहलाता है। निम्न में से कौन सा आइकन डेस्कटॉप पर स्वतः बनता है? ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी माय कंप्यूटर, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी आइकन रिसाइकिल बिन, माय कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पर स्वतः बनते हैं। एक फाइल में कम से कम कितने कैरेक्टर होने चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1। एक फाइल में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, वरना वो फाइल सेव नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी PC DOS, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विंडोज। विंडोज एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्पाईवेयर हटाने और उनसे रक्षा करने के लिए तैयार किया गया है? ऑप्शन ए यूज़र अकाउंट कंट्रोल, ऑप्शन बी विंडोज फायरवॉल, ऑप्शन सी विंडोज डिफेंडर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर स्पाईवेयर हटाने और उनसे रक्षा करने के लिए बनाया गया है। डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए नैनो सेकंड, ऑप्शन बी वर्ग से सेकंड, ऑप्शन सी बिट्स प्रति सेकंड, ऑप्शन डी मेगा सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिट्स प्रति सेकंड। कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है? ऑप्शन ए संख्या को, ऑप्शन बी चिन्ह को, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी, संख्या और चिन्हों को। कंप्यूटर में डाटा संख्या और चिन्हों को कहा जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए DTP, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी अकाउंटिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अकाउंटिंग। टेली का उपयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ओरेकल क्या है? ऑप्शन ए एक प्रचालन, ऑप्शन बी इमेज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। KB का पूरा नाम है? ऑप्शन ए किलोबाइट्स, ऑप्शन बी किलोबिट्स, ऑप्शन सी किलोबायोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किलोबाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2। कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, रैम और रोम। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1967। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1946। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गणना। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी जाने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माउस कवर, ऑप्शन बी माउस संचालक, ऑप्शन सी माउस पैड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माउस पैड। माउस के नीचे रखे जाने वाली वस्तु को माउस पैड कहा जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल CPU रिकॉर्ड, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम OCR से नाम से जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क एक एकल चिप पर समाहित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन सी
माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए ऐसा इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।